इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन किसी बंदे के पैर नहीं हटेंगे, जहां खड़े वहीं रहेंगे। कहा, पांच चीज़ों के बारे में सवाल होगा हर एक आदमी से सवाल होगा। सबसे पहला सवाल होगा, क्या होगा? ला तज़ूलु क़दमा इब्नु आदम हत्ता युसला अन क़म। सबसे पहले उम्र के बारे में सवाल होगा, तुमने अपनी उम्र कहाँ खपाई? हो गया। दूसरा सवाल नौजवानों से होगा, लड़के लड़कियों से, तुमने अपनी जवानी कहाँ खपाई? तीसरा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया? एक एक रुपया। और चौथा सवाल यह होगा, माल तुमने कहाँ खर्च किया? तो चार हो गए। पाँचवा सवाल यह होगा, तुमने जितना जाना उस पर कितना अमल किया? आप जुम्मे का खुतबा सुन रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है इसको सुनकर इस पर अमल करना। और जुम्मा के बाद सुन्नत पढ़ते वक्त अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह खुतबे में जितनी अच्छी दें सुनी हैं उन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे दो। और मौजूद हाजरीन, क़यामत दिन ये सवाल भी होगा, हमने तुमको सही जिस्म दिया था, हमने तुमको मीठा पानी दिया था, ये जवाब देंगे।